तो चलो देखते हैं भाई, फोर्स का मात्रक मतलब ओवरऑल यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रक, बल का मात्रक, बल का मात्रक F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। यहीं से हम सारे रिलेशन को निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना। F इज इक्वल टू एम ए है ना, तो ये M क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। भाई कभी भी रटना मत चीज़ों को, समझना कंसेप्ट को। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ना लिख दो, बगल में एक्सीलरेशन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दिस इज मात्रक। बल का मात्रक क्या है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको रटने की जरूरत है नहीं भाई, फॉर्मूले पे रख के निकालो, एफ इज इक्वल टू एम ए से, रिमेंबर रहेगा ऑलवेज। तो इसी को कहते हैं एम के एस मात्रक। याद करो पहला लेक्चर मेरा, जहां पर मीटर किग्रा सेकंड आता है उनको कहते हैं एम के एस पद्धति। तो ये देखो मीटर किग्रा सेकंड हो गया ना, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब आगे चलते हैं, किलोग्राम को कन्वर्ट कर दो तो दिस इज ग्राम, ग्राम। मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई सेकंड तो आपका सेकंड ही रहेगा। तो ये मात्रक क्या हो गया कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दो मात्रक बन गए। ये कैसा है? सी जी एस, सी जी एस। तो जरा सा बस लास्ट में समझ लीजिएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है भाई। रटो नहीं, द्रव्यमान का मात्रक यहीं पर रखो, एक्सीलरेशन का मात्रक यहीं रखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ एम के एस, ठीक। किसका? फोर्स का भाई, बल का मात्रक है एम के एस पद्धति में, याद रखना। सी जी एस में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब एक लॉजिक वाली बात बताऊँ, लॉजिक वाली, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात थी, आपको शायद पता होगा, इतने बड़े मात्रक को ही न्यूटन कहते हैं। ये थोड़ा लॉजिक वाली बात है। सर क्यों लॉजिक वाली बात है? जरा समझना, होता है ना बड़ी चीज़ों को कैसे याद करें, ये बड़ा मात्रक है ना, आदमी भूल जाएगा इतना बड़ा मात्रक कैसे याद करें। तो इतने बड़े मात्रक का छोटा सा नाम न्यूटन है, और इसी न्यूटन को कहा जाता है एसआई यूनिट, इसी को कहते हैं बल का एसआई मात्रक। आपसे कहे बल का एसआई मात्रक बताओ तो दिस इज न्यूटन। इसको वर्ल्ड लेवल पे डिफाइन किया गया है कि न्यूटन क्या है, तो एक न्यूटन बराबर एक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे समझो एकदम हूबहू, बिल्कुल क्लियर समझ लो। जो ये है ना किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये पूरा बराबर होता है न्यूटन के, न्यूटन के एकदम बराबर है, इसीलिए कहा जाता है ये क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल है वन न्यूटन के, ठीक है ना। तो इस बड़े नाम को न्यूटन कहते हैं, तो क्या उन्होंने, उन लोगों ने इसका छोटा नाम नहीं बनाया होगा? इसका भी छोटा नाम बनाया है, तो इसका छोटा नाम कहलाता है डाइन, डाइन आपने पढ़ा है ना, डी वाई एन ई। तो इतने सी जी एस मात्रक का छोटा नाम है डाइन, और एम के एस पद्धति का छोटा नाम है न्यूटन, लेकिन न्यूटन को पूरी दुनिया ने एब्जॉर्ब कर लिया, कहा कि इसको एसआई मान लेते हैं। तो एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन, वो एसआई मात्रक नहीं है, डाइन को जवाब मत दे दीजिएगा, डाइन आपका एसआई मात्रक नहीं है। डाइन पूछे तो वो सी जी एस मात्रक है, ये दोनों सी जी एस मात्रक हैं, ये दोनों सी जी एस मात्रक हैं, लेकिन इसको वैज्ञानिकों ने एब्जॉर्ब कर लिया, वैलिड कर दिया, कहा हम तो इसको एसआई मात्रक मानेंगे। तो सब कुछ कंप्लीट।